नमस्कार दोस्तों, आज के अपने चलित सरकारी एग्जाम खबरें में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमें आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ पर हम आपको देखेंगे रेलवे एनटीपीसी की तरफ से जो CBT 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका से लेवल 2 लेवल 5 का रिजल्ट एंड स्कोर कार्ड रेलवे ने जारी कर दिया है। तो आइए हम ये देखते हैं रेलवे ने जो CBT 2 का जो NTPC का जो CBT 2 हुआ था उसका जो नोटिस दिया है वो आगे हम इस वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। आगे इसको इसको स्कोर करेंगे नीचे। तो दोस्तों आपका ये जो CEN 01 2019 CBT 2 का टॉप मार्क्स फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपका जो लेवल 2 लेवल 5 का जो था उसमें आपके मार्क्स एंड उसका रिजल्ट रेलवे ने जारी कर दिया है। तो हम देख सकते हैं, तो ये रेलवे ने ये जारी किया हुआ है, यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। CEN 01 2019 CBT 2 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक है फॉर द लेवल 2। लेवल 2 के जो रिजल्ट हैं वो NTPC ने जारी किया है लेवल 2 का। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड करने की सारी लिस्ट आ जाएगी, जो जो भी कैंडिडेट लेवल 2 वो CBT 2 में शॉर्टलिस्ट हुए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए उनका। यहाँ पर ये देखिए, उनकी सब के रोल नंबर की लिस्ट पड़ी हुई है। ये देखिए, ये NTPC CBT 2 का जो भी रिजल्ट आया था लेवल 2 के लिए, ये लेवल 2 का है, लेवल 2 वालों के लिए जो भी है। तो दिस जो भी कैंडिडेट का इसमें रोल नंबर वो आप इसमें देख लीजिएगा। लेवल 2 वालों के लिए ये रेलवे ने NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है टाइपिंग टेस्ट के लिए। इन सारे कैंडिडेट्स का रोल नंबर पड़े हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और फ्रेंड लेवल 5 के लिए भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, RRB भोपाल की साइट पे जाएंगे तो आपको भी लेवल 5 का भी ये डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ भी कैंडिडेट्स की लिस्ट पड़ी हुई है तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये लेवल 5 वालों के कैंडिडेट्स जो हैं ये उनके रोल नंबर पड़े हुए हैं। जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ होगा वो इसमें देख सकता है, ये पड़ा हुआ है, ये सारे पड़े हुए हैं, सारी लिस्ट पड़ी है, रेलवे ने डाली हुई है। और फ्रेंड साल दी NTPC के जो स्कोर कार्ड वो भी रेलवे ने जारी कर दिए हैं। आप यहाँ से इसके क्लिक करके यहाँ पर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो भी आपका है वो दोनों में से कोई भी एक डाल दीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिए, एक कैप्चा कोड डाल दीजिएगा तो आपका लिस्ट खुल के आ जाएगा। आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो सारी पूरी डिटेल आपका स्कोर कार्ड लिख के खुल के आ जाएगा, तो आप इसमें चेक कर लीजिएगा जो भी कैंडिडेट को देखना है। और फ्रेंड जिस भी कैंडिडेट का इस में शॉर्टलिस्ट हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, आप अच्छे से अपना स्किल टेस्ट निकालिए। और आगे की जो भी जानकारी है मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू देता रहूँगा, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं सरकारी एग्ज़ाम खबरी में। तब तक की जय हिंद, जय भारत।